इतनी उपज कर दी है, इतना भर दिया कि अगर 4 साल भी किसान ना उगाए ना तो हमारा देश बैठ के खा सकता है। कोरोना काल आया था, सब चीजें दुनिया रुक गई थी, किसान चला था ना, उस समय क्या जरूरी चीजें हो गई थी हमारे लिए कि हमें खाने को मिल जाए और सब छोड़ दो। यही हुआ था ना, किसान ने मेहनत भी करी, कोरोना का रिस्क भी लिया, देश को अनाज भी पैदा करके दिया। सरकार को गिफ्ट देना चाहिए था, किसानों की हेल्प करनी चाहिए थी इस कोरोना काल में। सरकार ने हमें क्या दिया, हमारी मेहनत का ये फल दिया, मैं रोडों पे लाके धर दिया। वैसे कह रहा हूँ, जो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो असली किसान ही उसके मालिक है। किसानों ने ही देश को आजाद कराया है। पूंजीपति का किसी का लड़का क्रांति में शहीद नहीं हुआ है। जो वर्तमान सरकार है, एक भी वर्तमान सरकार के सांसद और विधायक का परिवार का कोई भी आदमी देश की क्रांति में शहीद नहीं हुआ है। सारे पूंजीपति हैं और इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है। सच पूछे, पूंजीपति होना गुना है क्या? हम बता रहा हूँ, सच पूछो तो ये उस झंडा फहराने लायक भी नहीं है। सीधा झूठ बोलते हैं। जरा बात तो करें, डिबेट तो करें, बैठ के लिख के हमसे बात करें ना, कितना खर्च आता है डीजल 74 रुपए कुछ पैसे, हर चीजों पे महंगाई, और इतने पैसों में काम चल जाएगा? चले जाते, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये रद्द नहीं होंगे वहाँ पे खेत में मरने की वजह से मरेंगे हम, भूखे मरेंगे, बुजदिलों की मौत मरेंगे, यहाँ शहादत से मरेंगे, शहादत होगी हमारी अगर हम यहाँ पे शहीद होंगे। इस समय गरीब आदमी मॉल में खरीदारी क्यों नहीं करता? जब आदमी ये मुझे कौन क्यों नहीं करता, दुकान ढूंढता सस्ती क्यों वाली? सस्ती वाली दुकान पे जाता है क्यों? खुली चीज लेता है, पैकिंग से अलग लेना चाहता है, क्योंकि महंगा है ना मॉल में। मॉल में महंगा है ना, 10 गुना 15 गुना महंगा है ना मॉल पे, नहीं हो उसकी औकात। ये पोजीशन बनने वाली है, जिस दिन अंबानी जी के इजी डे बन गए ना, तो गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा। जो आज आपको राशन बहुत सस्ता मिलता है, अभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि इतने दिनों की मीटिंग के बावजूद हमें भी थोड़ा सा विश्वास हो गया कि सरकार हमें लटकाना चाहती है, परेड में बुलाएगी। वो भी चाह रहे हैं किसान, वो भी शायद ये चाह रहे हैं, किसानों ने आज तक परेड नहीं देखी है, तो थोड़ा सा इनके टैक्स। आप लोग क्या? मेरा नाम बलदेव सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, विधानसभा बड़ापुर और ग्राम बेहड़ी से हूँ। तो ये बताएं आप, ये जो है कि आप अभी पता चला जिस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, आप कम से कम 36 ट्रैक्टर लेकर के आए हैं, आगे आपने कहा है आगे और भी आएगा, तो ये ट्रैक्टर लाने का असल मकसद क्या है आपका? मकसद सर ये है, ये जो इन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं, सरकार इसे वापस नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान भाई यहाँ पे पड़े हैं, 80 किसानों की शहादत हो चुकी है, तो इसके लिए हम लोगों को, हम सोच रहे थे कि हम ना ज़्यादा जाएँ ना वहाँ पर जाएँ, पर हमारी मजबूरी हो रही है, सरकार तारीख पर तारीख दे रही है, हमें आना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है अपने हक लेने के लिए। नहीं ना, आप आते रहे, लेकिन ट्रैक्टर का क्या रोल है? ट्रैक्टर आप अकेले आ जाते हैं आंदोलन में? अरे सर, ट्रैक्टर तो हमारे हाथ पैर हैं, हम किसान हैं, ट्रैक्टर हमारे हाथ पैर हैं। जैसे सेना के लिए असला हथियार होता है हमारे जवानों के लिए, और उनके लिए टैंकर हथियार होते हैं, टैंक जो होते हैं, और ये वायु सेना के लिए जो जहाज होते हैं ये होते हैं, इस तरीके से जो ट्रैक्टर है वो हमारा हथियार है, वो हमारा हाथ पैर है। हम ठंड के, ठीक है, और बैठेंगे कहाँ पे? हमारे लिए मोदी जी ने होटल थोड़ी ना बुक करा दिए यहाँ पे, ठंड की यहाँ बैठेंगे। तो ये बताएं कि ये ट्रैक्टर रैली, कहीं ट्रैक्टर परेड की तैयारियां तो नहीं है? अरे वो जरूर होंगे, अगर आप लोग सही तरीके से दिखाइए सरकार से ये क्या दीजिए। हम तो सही तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन चैनल ऐसे हैं जो नहीं दिखा पाते। सरकार से हमारी एक विनती है, हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान भी करते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो, और अगर उनसे कहीं कोई भूल हो गई है, उन्होंने ये कानून बिना सोचे समझे बना दिए हैं, तो किसानों की यही अपील है उनसे, प्रधानमंत्री जी इन्हें वापस लीजिए, इन्हें वापस करो, खारिज करो, और किसान अपने घर में जाएं, हमें 26 जनवरी का इंतजार ही ना करना पड़े। हम आए तो बिना ट्रैक्टर के आए 26 जनवरी में। जाने के लिए आपको मना भी नहीं किया, जाने के लिए आपको तो कहा गया कि आप लोग अपने घरों को जाएं। सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रहे हैं कि आप लोग जो है बूढ़े जो है महिलाएं, ये घर अपने घर को वापस चले जाएं। हम चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, हमें जाने में तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, इतना संघर्ष हमने कराया, सरकार जरा इन्हें बिलों को रद्द कर दे, हम बिल्कुल चले जाएंगे। सरकार तो कह रही है किसान की तकदीर बदल जाएगी इस कानून से। अरे वाह वाह भैया वाह, देखो सरकार के लिए हमारा रुपया चवन्नी और इनका इनकी चवन्नी रुपया, ठीक है, इनकी कहानी वो है, तकदीर कैसे बदल जाएगी? चन्नी में दूध दूके क्या तकदीर बदल जाएगी? तकदीर तो बदल भाई, चन्नी में हम दूध दुहेंगे और कह देंगे हमारी किस्मत, बताइए आप।
चन्नी में दूध दुहेंगे और हमारी किस्मत हमें दिख रहा है? तकदीर तो बदल चुकी है। हाँ भाई साहब एक बात बताइए, सरकार तो ये कहती है ना किसान हम है या प्रधानमंत्री जी किसान है? यूँ कहते हैं कि ये तो नकली किसान है। नकली किसान है, असली हमारे खाते में 2000 रुपया क्यों भेजते हैं? अगर देखो जी, अगर हम नकली किसान है तो असली किसान तो सारे मोदी जी के साथ है। अरे मुझे मोदी जी ये बता दें कि असली किसानों के लिए, असली प्रूफ देने के लिए, हमें असली बनने के लिए क्या प्रूफ देना पड़ेगा? हम वो हाजिर कर देते हैं। तो नहीं, इस बिल से उन्होंने बिल्कुल कहा, आप लोग मुतमईन रहे, इस बिल से आपका फ़ायदा, किसानों को किसानों का फ़ायदा को देखते हुए ये बिल लाया गया है, तो फिर इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। सर आप एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं बार बार इस चीज़ के लिए कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते, हम किसान हैं, हमें पता खेती कैसे होती है और किसमें फ़ायदा है किसमें नुकसान है। रोड पर ड्राइवर जो ड्राइवरी करता है उसे पता ना मैंने गाड़ी कैसे चलानी है, बताइए किसान को पता? बहुत सारे किसान समर्थन भी कर रहे हैं कृषि। सर मैं बता देता हूँ, शिवराज जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें किसान बुलाए थे, उनसे बात एक एकड़ पे हुई थी, उनसे ये बात हुई थी कि आप ये बताइए कि आप काहे की धान की फसल उगाते हैं, काहे की उगाते हैं। उन्होंने लहसुन की बताई थी, उन्होंने कहा बताओ जी एक एकड़ में कितना मुनाफा होता है, कितना खर्च आता है। तो एक एकड़ से शुरू हुए थे, वो एक एकड़ की बात करी थी, वो कह रहे थे हम तीन एकड़ में लहसन हमारा निकलता है 300 क्वांटल। जब उनसे खर्च पूछा गया, अरे जी एक एकड़ में 10,000 रुपये का खर्च आता है, तो 10 क्या हम 15,000 रुपये दे देते हैं, हमारा ठेका दिलवा दें अंबानी जी को 15,000 रुपये प्रति एकड़ में खर्च में, हम तो 10 के 15 दे रहे हैं ना। सीधा झूठ बोलते हैं। जरा बात तो करें, डिबेट तो करें, बैठ के लिख के हमसे बात करें ना कितना खर्च आता है। डीजल 74 रुपये कुछ पैसे, हर चीज़ों पर महंगाई, और इतने पैसों में काम चल जाएगा? नहीं, सरकार के लिए आप लोग घर वापस जाए, मुतमईन रहे, और जो है इस बिल से आपका फ़ायदा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि आप लोग जो है बूढ़े जो है महिलाएं घर जाए, तो आप ना सरकार की सुन रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, आप यहां पर इसी तरह अड़े रहेंगे तो क्या बात आगे तक बढ़ेगी? आप मुझे ये बताइए, घर बैठे हमारे कानून रद्द हो जाएंगे? अगर रद्द हो जाते हैं तो हम चले जाते हैं, लिखित में दे दो, हम जाते हैं आज ही चले जाते हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक ये रद्द नहीं होंगे, वहाँ पे खेत में मरने की वजह से मरेंगे, हम भूखे मरेंगे, बुजदिलों की मौत मरेंगे, यहाँ शहादत से मरेंगे, शहादत होगी हमारी अगर हम यहाँ पे शहीद होंगे। एक बात मैं आपसे और बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप इस बात पे आके मोदी जी कहते हैं ना कि वो किसानों के हक के हैं, गरीब आदमी, आप चलो अमीर होंगे या गरीब होंगे मुझे नहीं पता, मैं गरीब हूँ अमीर हूँ जैसा भी हूँ, गरीब आदमी मॉल में खरीदारी क्यों नहीं करता? जवाब दीजिए मुझे, कौन क्यों नहीं करता? दुकान ढूंढता सस्ती, क्यों सस्ती वाली दुकान पर जाता है, क्यों खुली चीज़ लेता है, पैकिंग से अलग लेना चाहता है वो, क्योंकि महंगा है ना मॉल में महंगा है ना, 10 गुना 15 गुना महंगा है ना मॉल पे, नहीं हो उसकी औकात। ये पोजीशन बनने वाली है, जिस दिन अंबानी जी के EGDA बन गए ना, तो गरीब आदमी खरीद नहीं पाएगा, जो आज आपको राशन बहुत सस्ता मिलता है, ठीक है, वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, ऐसा होगा। क्या लगता है ये जो बैठक होगी, जो क्या नतीजा निकलेगा, या फिर पहले की तरह ये बिल्कुल बेबुनियाद बेनतीजा रहेगा ये मीटिंग? देखो जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, यहाँ हम भी पढ़े हैं उम्मीद। आपको क्या लगता है कि इससे 15 तारीख को आप लोग घर वापस चले जाएंगे या फिर अभी नहीं जा पाएंगे? क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि इतने दिनों की मीटिंग के बावजूद हमें भी थोड़ा सा विश्वास हो गया कि सरकार हमें लटकाना चाहती है, परेड में बुलाएगी। वो भी चाह रहे हैं किसान, वो भी शायद ये चाह रहे हैं, किसानों ने आज तक परेड नहीं देखी है, तो थोड़ा सा इनके ट्रैक्टर आप लोग क्या परेड में करने पहुँच पाएंगे वहाँ? बिल्कुल, हम कोशिश फुल करेंगे। पुलिस तो आपको, आप लोग जाने नहीं देगी? हम लड़ने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, देश आजाद कराया था तो हम अपने उसमें परेड में नहीं जा सकते। वहाँ जाकर ऐसा क्या हो जाएगा जो फिर ये बिल आप लोग जो है ये बिल वापस करवा लेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा? पूरा वर्ल्ड देखेगा उस चीज के लिए कि किसान वहाँ पे क्यों गया, किसानों की मांगी पूरी नहीं की, किसान परेशान है। ये खुफिया है, गुप्त है? नहीं नहीं, कोई गुप्त नहीं है जी। एक आप बताओ कि परेड में क्या होता है? परेड में हम अपनी संस्कृति दिखाते हैं, हर जगह के अपने हमारे पुराने टैंक आते हैं, जिन्होंने शहादतें करी, जिन्होंने जंग जीतवाए, हम परेड में, हम किसान है, जय जवान और जय किसान का हिंदुस्तान में नारा है। और किसान का बेटा अगर उस परेड में अपना ट्रैक्टर भी लेके चला जाता है तो वो परेड की शोभा बढ़ेगी, ना कि उस परेड को उसको नीचा दिखाया जाएगा।
ट्रैक्टरों से परेड की शोभा बढ़ेगी, ये हमारा हक है। उन्हें तो हमारा समर्थन देना चाहिए कि हमें तो परेड में जाने के लिए कहना चाहिए कि हाँ जी आप अपने ट्रैक्टर लेके आओ, हम भी दुनिया को दिखाएं कि हमारे किसान जो हैं देखो ट्रैक्टर से आते हैं, कैसा ट्रैक्टर रखे हुए हैं इन्होंने और क्या काम करते हैं। तो ऑलरेडी निकलती है किसानों की रैली, ऐसे नहीं निकलती जैसे हम चाह रहे हैं। हमारा हक है, अगर परेड से हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे देश की शोभा ही बढ़ेगी, देश घाटे में या किसी ऐसे उस दौर में नहीं जाएगा। चलिए आखिर में एक सवाल पूछूंगा, आप जिस तरीके से आप लोग किसान हैं तो उपज में इस बार गिरावट होगी या फिर बढ़ोतरी होगी, ये बढ़ेगा या गिरेगा, क्या है उपज? क्योंकि सारा किसान जो है सड़कों पर है इस वक्त, तो उपज सर एक मिनट, उपज पे तो हमारा कोई भी कृषि मंत्री हो या पूरा देश हो कोई भी किसान की मेहनत पे सवाल उठा ही नहीं सकता। किसान ने अपनी मेहनत इतनी करके इतनी उपज कर दी है, इतना भर दिया है कि अगर 4 साल भी किसान ना उगाए ना तो हमारा देश बैठ के खा सकता है। कोरोना काल आया था, सब चीज़ें दुनिया रुक गई थी, किसान चला था ना, उस समय क्या ज़रूरी चीज़ें हो गई थी हमारे लिए कि हमें खाने को मिल जाए और सब छोड़ दो, यही हुआ था ना। किसान ने मेहनत भी करी, कोरोना का रिस्क भी लिया, देश को अनाज भी पैदा करके दिया। सरकार को गिफ्ट देना चाहिए था, किसानों की हेल्प करनी चाहिए थी इस कोरोना काल में। सरकार ने हमें क्या दिया, हमारी मेहनत का ये फल दिया, हमें रोड़ों पर ला के धर दिया। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि किसानों को कहा गया है कि मतलब आंदोलन करो, उन्हें पता नहीं है कि कानून सर मैं बताऊँ, मैं एक किसान हूँ, ठीक है, पहली बात तो मैं एक किसान हूँ, ठीक है, मैं खुद एक भाजपा का समर्थक हूँ, इस बात को पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दो बार आप ही लाए मोदी जी, अरे बिल्कुल हम लाए, जब हमें अच्छे लगे लाए। आज हमारे अगर यो बात सुनिए, अगर मेरा बेटा गलत काम करने लगे, अपने मित्र से लड़ने लगे और उसका दोस्त भी वो कहे अंकल मेरे आपके बेटे ने मेरे साथ ये कर दिया, तो मैं मर्द का बच्चा तो जब हूँ, मेरे बेटे की गलती होगी तो मैं गलती निकालूँ और उसे अपने दोस्त के जो मेरा बेटे का दोस्त है उसे कहूँ बेटे मेरे बेटे की गलती थी, आप सही हैं, तभी तो मज़ा आएगा। अगर आपके भाजपा समर्थक है, आप मोदी समर्थक है, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? सर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं, पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, मोदी जी सुनते ही नहीं, जो सुनते हैं 26 जनवरी में हमारी थोड़ी हेल्प करो और परेड होगी। एक बात बताओ, ट्रैक्टर की परेड होगी, देश विदेशों में ये पता चलेगा कि भारत का किसान ऐसा है और इस तरीके की परेड होती है, वहाँ जवान तो करता है, ये किसान भी करेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। उपज के बारे में बताया नहीं कि इस बार की बात है, इस बार उपज में कमी है या आएगी या फिर उपज में नहीं, कानून बनने के बाद या कानून बनने ये जो कानून लागू होने से बाद में, या सारा किसान सड़कों पर है इस वक्त? किसान अगर भाई साहब सड़कों पर है ना भाई, किसान बांट बांट के आया हुआ है, किसान के जो दूसरे पड़ोसी हैं भाई हैं वो उनका किसान का सारा देखभाल कर रहे हैं, किसान घाटे में नहीं जाएगा, किसान की फुल मेहनत हो रही है वहाँ पे। आप ये ना समझो किसान सड़कों पे है खेती बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ ही नहीं है, किसान का प्रॉपर काम चल रहा है। अच्छा, प्रॉपर वर्क चल रहा है। 36 ट्रैक्टर आप ही लेकर गए? जी सर, सभी भाई लोग लेकर गए, हमारे मतलब जिले से जो आए हैं ट्रैक्टर, हमारे लोगों के गांव से आए हैं, वो 36 ट्रैक्टर आए हैं। और आप ये सरकार एक बार ये कह देना, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं या हमारे जो और सरकारी बंदे हैं ये कहते हैं ना कि यो तो थोड़े से ट्रैक्टर वाले हैं, मैं ये कहता हूँ कि एक दिन न्यूज में आप निकाल के देखियो कि मोदी जी इस चीज़ को कहें कि भाई किसान भाइयों अगर तुमने कुछ दिखाना चाहते हो, हमें एहसास कराना चाहते हो, थोड़ी सी हमें छूट दे दियो कि जितने किसान हैं इस बिल के खिलाफ जो हैं बिल रद्द कराना चाहते हैं वो आप लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल्ली आ जाओ, आपको 100 किलोमीटर दिल्ली के इर्द गिर्द सब रोड जाम मिल जाएंगे, इतना ट्रैक्टर इकट्ठा हो जाएगा। ये हम समझदारी बरतने हैं। प्रॉब्लम है जो किस बन चुकी है, जो परेड का तो ठीक है, किसान वहाँ जाएगा शांतमयी ढंग से जाएगा, सारा वर्ल्ड देखेगा, इंडिया का किसान भारत का किसान परेशान है, ये ऐसी स्थिति में क्यों है, इसको ऐसा पीड़ा लग चुकी है किसान को, किसान क्या करे, किसान अपना दुख प्रकट करने वहाँ लिख के जा रहा है कि किसान की सुनी जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की बिल्कुल नहीं सुन पा रहे, उन दो आदमियों के पीछे लगे हुए, ट्रेन बेच दी, रेलवे महकमा बेच दिया, आप किसान को भी खदेड़ना चाह रहे हैं ऐसे। अगर किसान खत्म हो गया क्या करोगे? युवा भाई जो है, युवा भाई नौकरी ढूंढते हैं सरकारी। एक मिनट, युवा भाई जॉब ढूंढते हैं ना, सरकारी जॉब पे विश्वास करते हैं, 99% लोग ये चाहते हैं कि हमें सरकारी जॉब मिले। आपकी रेल बिक गई, आपका एयर लाइन बिक गई, आपकी एयरपोर्ट गया, आपका भारत पेट्रोलियम बिक गया, आपकी लाइट बिक गई, और ये जो रह रहा था
देखो ये जो किसानी रह रही थी ये बीबी क्या, तो हमारे पास क्या रहा, प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद चीजें उम्दा से उम्दा और जो है फैसिलिटी बढ़िया से बढ़िया मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप एक बात बताइए सर, एक मिनट बात बताएं, फैसिलिटी की बात, फैसिलिटी में भारत सरकार ने ये MSP जो लागू की है, 3 काले कानून हमने तो इसी बार पहले देख लिया, 1868 का रेट है, 1100 को धान बिका, ये तो हमें फायदा मिल रहा है। ने सवाल किया प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का मॉडल तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जितने हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े वो स्टंट डालने के नाम पे 20,000 का 10,000 का खर्चा होता है, 1-1.5 लाख रुपये, आपने वो फिल्म देखी होगी गब्बर इज बैक, उसमें सब कुछ दिखाया है। बाकी रही बात मेन चीज़ है FCI 3.5 लाख करोड़ घाटे में है, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात सबसे बड़ी, आज हम लोगों को सरकार को आज झटका ये लगा है, सरकार को एक झटका लगा है आज, जो भूपेंद्र सिंह मान हैं उन्होंने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं पंजाब और पंजाब के किसानों की भावनाओं के साथ में हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बड़ी बड़ी गंभीरता से और बड़े ही सीरियस होकर इस एक प्रेस नोट जारी किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब और पंजाब के किसानों की भावनाओं के साथ में हूँ और मैं ये कमेटी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसमें ये है कि सरकार ने एक कंबल ओढ़ रखा है, वो थोड़ा सा कंबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, बाकी सरकार के और बाकी ऑफिसर्स जो हैं वो अपने ही कंबल में अंदर अंदर एक दूसरे को चीज़ पकड़ा रहे हैं, ये तुम पकड़ लो ये तुम। सरकार ने रिकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट से कि ये लोग कमेटी में बैठा दो, उन्होंने बैठा दिए। तो जो कमेटी के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, वो हम लोगों के पक्ष में कैसे बोल जाएंगे ये बताइए, है कोई उनमें इतनी हिम्मत है कि हम लोगों के पक्ष में फेवर में बात कर दें, नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने आज कमेटी से इस्तीफा दे दिया और वो पंजाब के साथ में खड़े हुए हैं। जी बताइए, परेड के बारे में आप क्या बता रहे हैं? परेड के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो शांतिपूर्वक किसान परेड पर जाना चाहता है वो राष्ट्रवादी है, वो इसलिए जाना चाहता है कि जो सरकार बनी है, जो गणतंत्र दिवस है जो 26 तारीख में होगा, गणतंत्र दिवस हमारे देश के शहीदों के वजह से गणतंत्र देखने का मौका मिला है, वो कोई मुतफर्राकी में पूंजीपतियों की वजह से नहीं मिला है, वो किसानों के लड़के थे सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह और बहुत से क्रांतिकारी जिन्होंने खून से क्रांति का इतिहास लिखा है, अंग्रेजों को मारा है, भगाया है। और मैं दावे से कह रहा हूँ जो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो असली किसान ही उसके मालिक हैं, किसानों ने ही देश को आज़ाद कराया है, पूंजीपति का किसी का लड़का क्रांति में शहीद नहीं हुआ है। जो वर्तमान सरकार है, एक भी वर्तमान सरकार के सांसद और विधायक का परिवार का कोई भी आदमी देश की क्रांति में शहीद नहीं हुआ है, सारे पूंजीपति हैं और इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। सच पूछें, पूंजीपति होना गुनाह है क्या? हम बता रहा हूँ, सच पूछो तो ये उस झंडा फहराने लायक भी नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुनो सुनो, हर सरकार में पूंजीपतियों को प्रायोरिटी दी गई है, हर सरकार में, कांग्रेस के टाइम में भी दी गई है, लेकिन मोनोपोली गई है। बताओ, मैं बताऊंगा ना, पूंजीवाद समझोगे आप भी, पूंजीवाद एक बुराई है। पूंजीवाद का मतलब ये है, मुकेश अंबानी के पास आज की तारीख में 6,58,000 करोड़ की संपत्ति है, जिसके बाप को बताते हैं कभी मूंगफली बेचता था और पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, कहाँ से आई ये संपत्ति? ये इस देश के नेताओं ने भ्रष्टाचार के माध्यम से सारी मुकेश अंबानी के पास इकट्ठी कर दी है। वो किसान मजदूरों की संपत्ति है, वो राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र को मिलनी चाहिए। ये नेता और पूंजीपति एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, जिन्होंने देश का सारा धन लूट लिया है, कुछ तो स्विट्जरलैंड में भेज दिया इन्होंने काला धन के रूप में, जो आज तक एक रुपया नहीं आया। मोदी कहता था काला धन जाऊं, वे सारे बीजेपी में घुस के दलाल सारे चंदा दे रहे। आज ये पूंजीपति की वजह से आज हमारे 14-15 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इन्होंने निजीकरण कर दिया, इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी। आपने देखा होगा लॉकडाउन में मजदूरों की क्या हालत हुई, देश की दशा हुई है। ये पूंजीवाद एक कैंसर है और दुनिया के लिए खतरा है, भारत भारत के लिए नहीं है बेटा। आप भी इसी की वजह से शिकार हो,
और नए युवकों से पूछना तो सड़कों पे घूम रहे हैं। ये पूंजीपति कैंसर है। मैं आपको बताता हूँ पूंजी में दोष क्या है। पूछो, मेरा काम खत्म हो गया। पूंजीपति में दोष ये है कि 60 से 70 किसान शहीद हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है, संवेदना नहीं है। और पूंजीपति के घर पे अगर बेटा होता है, बच्चा होता है, तो प्रधानमंत्री जी के पास टाइम है। ये दोष है पूंजीपतियों का। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमें खालिस्तानी, माओवाद, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े कहा गया, बाकी बहुत कुछ कहा गया। जो टुकड़े टुकड़े कहा ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े उन लोगों ने हमको बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि हम लोग वाकई टुकड़े टुकड़े में थे और आज हम लोग एक हैं। हम लोगों को टुकड़े टुकड़े धर्म के नाम पर और जात के नाम पर और शिक्षा के नाम पर हर मसले पे, हमें हिंदू धर्म को गाय के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन आज हम लोग बीफ के मामले में एक नंबर पे हैं जब से ये सरकार आई है। और वाकई हम लोग आज टुकड़े टुकड़े थे, आज नहीं हैं। आज हम लोग एक हैं और एक ही हम लोगों का फोकस है, एक ही टारगेट है। सर एक बात और कहना चाहता हूँ, आइए इधर आइए। ये जो शौक है ना बहुत हमें प्राइवेट सेक्टर करने का, ये चीज़ों का हमें शौक है ना बहुत। ईस्ट इंडिया इस देश में व्यापार करने आई थी, प्राइवेट कंपनियाँ थी, बाहर की कंपनियाँ थी, देश गुलाम हुआ या नहीं हुआ आप ये बताइए। सारा अगर यो गल्ला जो है एक बंदे के पास स्टोर हो गया, अंबानी जी के पास स्टोर हो गया, जब ये कह देते हैं कि हमारे देश में जो राज करते आए हैं प्रधानमंत्री रहे, उन पर ये लांछन लग जाता है, पाकिस्तान के साथ मिल गए, चीन के साथ मिल गए, भाई इनकी संपत्ति इटली में पड़ी है, अगर अंबानी जी जाके चाइना के साथ मिल गए तो भुक्के मार देंगे सारे नागरिकों को। सही बात। और भाई साहब ये बात कह रहा हूँ, और इनके तो लॉक भी ना खुले हैं तुमसे, किसान का तो सुधरा और बनिए का किसी भी जो पूंजीपति होगा जिनने कर रखी है वो अपनी स्टोर कर रखा, ताला तोड़ लोगे, सादा ताला होता है। ना आप मोदी जी के सपोर्टर है जिस तरीके से आप बताए थे, और दूसरी बात आपके एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर आए किसानों को सपोर्ट करने के लिए, आप कहीं ना कहीं दुखी है जो सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को लेकर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अमेरिका के जो संसद में वहाँ पर हमला होता है, वहाँ पर कुछ जाने जाती है, एक दो कहें तो मोदी जी ट्वीट करते हैं, यहाँ पर किसानों के 60 से भी ज़्यादा जाने गई है, उस बारे में मोदी जी का ना कोई ट्वीट है, ना उनके कोई भी वजीर का ट्वीट है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मोदी जी के लिए ना, मोदी जी को खुद ही एहसास हो जाना चाहिए, एक मौका मिला था, ये छोटा सा आंदोलन छिड़ा था अपने देश में किसानों का, मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं करा। ये समझ लो कि जब कभी प्रोपकार का काम चलता है ना, किसी के आग लग गई थी तो आग लगी, किसी का घर भूक रहा था, गोई पूरा भूक रहा था, तो एक चिड़िया ने क्या करा, चोंच में पानी भर के वहाँ पे डालना शुरू कर दिया। हाँ, तो उसे चिड़िया को ये भी पता था कि मेरी चोंच से पानी आग बुझने वाली नहीं है, पर उसने कहा बुझाने वालों की तो लाइन में जुड़ जाऊँगी मैं, लगाने वालों की लाइन में नहीं जुड़ूंगी। तो मोदी जी के नसीब में ये चीज़ नहीं रह गई कि वो अपने किसानों के लिए एक बार थोड़ा सा दुख प्रकट कर लें कि भाई मेरे किसान भाई ठंड में शहीद हो गए, मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ का कोई हल करूँ, पहले मैं किसान हूं, बाद में मोदी जी हैं, बाद में पार्टी हैं, पहले मैं किसान। नुकसान क्या है मुझे ये बताइए, बिल वापस लेने में नुकसान क्या है सरकार का? सरकार कह दे कि हमारा इतना, हमने इतना माल रखा था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, खराब हो गया स्टोरों में, अब हम इस बिल को नहीं वापस ले सकते। नुकसान बता दे एक बार सरकार की, हमारा नुकसान क्या है ये बिल वापस लेने में, मैं आपसे पूछता हूँ क्या नुकसान है? एक्सेप्ट करने में आपको क्या आपत्ति है? नहीं, हमारे सामने तो प्रॉब्लम है जो कि सरकार को पता है। सरकार ने एक्सप्लेन किया है ना कि इससे आप लोग मुतमइन रहे, बिल्कुल, क्योंकि सरकार है, आप लोग चुन के सत्ते पे लाए हैं, तो आप कैसे मुतमइन हैं? कैसे मुतमइन हैं? एक प्राइवेट सरकारी मंडी के सामने एक प्राइवेट मंडी लगा दी जाएगी तो कैसे मुतमइन रहेंगे? नहीं, मुतमइन रहने वाला कोई काम ही नहीं है इसमें, सब लोग बिल पढ़ चुके हैं। बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार इस बारे में गौर करेगी और इस किसानों के समर्थन में, किसानों के हक में कोई फैसला देगी। इस वीडियो के इतना ही, NH24 हाईवे से भारत न्यूज 91। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद भैया, एक मिनट।